Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello ji, hello, kaise ho sab log? Can you guys hear me? Am I audible as well as visible? हेलो तनु, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सो आज आपको अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पे, राइट? सो दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स गाइस. ड्यू टू पोंगल यस्टरडे, पोंगल, मकर संक्रांति और ढेर सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल होने के कारण कल के दिन द हिंदू न्यूज़पेपर वाले काम नहीं करते हैं. सो आज उनका एक भी एडिशन आता नहीं है, ठीक है? सो सिंस यस्टरडे देयर वाज हॉलीडे फॉर देम, द हिंदू न्यूज़पेपर वालों के लिए, तो इसके वजह से आज मुझे मिला ही नहीं द हिंदू न्यूज़पेपर. इस चक्कर में मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया, बिकॉज फिर इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं मिल रहा था, तो हिंदुस्तान टाइम्स का मुझे न्यूज़पेपर लेके आना पड़ा, ठीक है? हाय अंकित, अभिषेक, चिकी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ यू ऑल? तो आज इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स से करेंगे न्यूज़पेपर. द हिंदू न्यूज़पेपर वालों का छुट्टी था कल, तो आज कोई एडिशन नहीं आया है, ठीक है? सो आज 15th ऑफ जनवरी है गाइस, और मैंने इसमें भी दिल्ली एडिशन लिया हुआ है अभी आज. एक्चुअली वो ही अवेलेबल हो रहा था, मिल नहीं रहा था मुझे जल्दी से एडिशंस, बिकॉज आई हैव सब्सक्राइब टू द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर लाइक डेली बेसिस, और आज वो नहीं था तो हिंदुस्तान टाइम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था. सो आज 15th ऑफ जनवरी सैटरडे का दिन है, एंड न्यू दिल्ली एडिशन हमने लिया हुआ है, ठीक है? सो ये सेशन मैं रोज़ लेके आती हूँ, मंडे टू सैटरडे एवरी डे, फॉर अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स गाइज. ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स आउट देयर, हूएवर इज अपियरिंग फॉर क्लैट, एलर्ट, एलसैट, स्लैट, एमएचसीटी, ड्यूएल एलबी, ब्लैट, सभी के लिए करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए मैं ये सेशन रोज़ लेके आती हूँ फ्रॉम 10:30 टू 11:15. तो ये सेशन बेसिकली आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपका करंट अफेयर्स अपडेट करने में, नॉट जस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स, बट इफ़ यू आर गिविंग एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल, जैसे कि UPSC या बैंकिंग एग्जाम, तो भी करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये सेशन. चिंता मत करियो, आ जाइए रोज़ के रोज़. तो आप लोग ने देखा मैं बीमार हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिशन नहीं आता, कोई भी सिचुएशन में मैं आप लोग का ये सेशन लेना मिस नहीं करती हूँ. तो इतनी ही शिद्दत से, इतने ही रेगुलरली आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो टू अटेंड वेरी रेगुलरली, क्योंकि करंट अफेयर्स इट्स लाइक अ सी, इट्स सो वास्ट. आप एक साथ जमा करके बाद में मैं पढ़ूंगा ऐसा सोचोगे तो नहीं होगा, याद ही नहीं रहेगा चीज़. तो एवरी डे रेगुलरली आपके करंट अफेयर्स अपडेट किया कीजिए, और उसके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस से बेटर सोर्स क्या हो सकता है गाइस, इजंट इट? तो मैं जितना शिद्दत से रोज़ आप लोग के लिए सेशन लाती हूँ, आपको भी उतने ही रेगुलरली बहुत अच्छे से रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन देखना है. जब भी आपको ऐसा हो कि मैं मिस कर जाता हूँ, स्कूल है इसकी वजह से मॉर्निंग में नहीं होता है, तो पूरे दिन में कभी भी रिकॉर्डिंग देख लीजिए. तो ये काम करना है आपको, जस्ट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. सब्सक्राइब किया है ये चैनल एक बार, तो फिर आप क्या करोगे, रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा. जब तक आपने देखा नहीं है, वो नोटिफिकेशन को स्लाइड डाउन नहीं करने का, रहने देने का अपने फ़ोन में, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा टू अटेंड द सेशन, ठीक है? तो सबसे पहला काम कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लीजिए, रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं याद रखने की. दूसरी चीज़, यहाँ आपको शेयर बटन भी दिखेगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट, और जितने हो सके उतने लोगों के साथ
शेयर अबाउट दिस क्लास, मतलब आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर बटन क्लिक करके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी सब जगह डाल दीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स सबको पता चलेगा अबाउट द सेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि ये फ्री सेशन की जानकारी बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो, और इसके लिए मैं आपसे ये छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहती हूँ। करोगे या नहीं करोगे गाइस, जल्दी से बोलो यस मैम। ओके चलिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे 15th of January का आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया, आयुष, अभिषेक, दक्ष, साहित्य, राइट अभिषेक, हाय ब्रिजमोहन, रिया, या द हिंदू इज नॉट अवेलेबल टुडे, स्नेहा, क्रिश, वेरी गुड मॉर्निंग, हाय रोजी, या बिकॉज ऑफ द मकर संक्रांति, लोरी, पोंगल, जो भी फेस्टिवल हर स्टेट का अलग अलग, गुफरान, आज गुफरान छुट्टी है, कल पोंगल था स्पेशली, साउथ इंडियन है ये न्यूज़पेपर एडिशन, एक्चुअली न्यूज़पेपर वाले तो पोंगल फेस्टिवल की वजह से वो लोग बंद रखते हैं। पूर्वा, तनु, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है चलिए। बता दो क्रिश, प्लीज बता दो, येस रोजी, विल स्टार्ट द सेशन, सो जस्ट वेन यू आर इज आर शेयरिंग, जल्दी से शेयर अबाउट दिस क्लास। मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा और अन अकेडमी का। सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कैमरी सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज, आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, and I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So that's me guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. So CLAT iconic program start ho chuka hai. Even in CLAT category abhi iconic aa chuka hai. To iske bare mein batati hu, par iske pehle jisne Unacademy abhi tak join hi nahi kiya, to guys bahut badi cheez miss kar rahe ho. Jaldi se join kar lo Unacademy. Download an Academy Learning app from your Play Store or App Store and jaldi se start using it. Bahut sari free classes bhi hai, free mock test quizzes bhi milti hai an Academy pe. To pehle to aap wo free mock test quizzes aur free classes dekhiye, special class bolte hain hum free class ko an Academy pe. To ye special classes attend kijiye to unlock. Pehle to download karoge an Academy Learning app, fir free test ya quiz ya फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे, यू कैन यूज़ माई कोड निधि लाइफ, ये निधि लाइफ कोड यूज़ करना है आपको, ठीक है, एंड देन आपको फ्री वाली क्लास वगैरह देख के और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है या नहीं, फिर आप या तो प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है इधर बताया हुआ है, देख लीजिए जल्दी से। तो दोनों एक पेड़ वाले हैं, कुछ दिन फ्री क्लास देख के पहले एक्सपीरियंस कीजिए, अगर प्लेटफॉर्म अच्छा लगे तो ही लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन एक है कैटेगरी और उससे अपग्रेडेड वर्जन है आइकॉनिक कैटेगरी, तो जो भी लेना है मेरा कोड निधि लाइव यूज़ कर लेना, पहले फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए भी, और 10% डिस्काउंट, ये जब भी पैसे भर के आप ले रहे हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा निधि लाइव कोड डालने से। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइजेस लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइजेस है, तो जो भी आप लेने का डिसाइड करते हो फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट यूज़ माय कोड निधि लाइफ, ठीक है। ये सारे बैचेस चालू हुई है वीक से, वेनसडे से ये बैच चालू हुआ है, कल से ये बैच चालू हुआ है, जिसमें 3 महीने में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। देन ये स्पेशल क्लासेस इवेंट है आज 7 बजे शाम को, जस्ट मर्सी, ये हॉलीवुड मूवी के थ्रू आपको पूरी पढ़ाई करवाई जाएंगी, मतलब कुछ कंसेप्ट्स लीगल के पढ़ाए जाएंगे। वेनसडे मेनिया हो चुका है 13th को, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अमेजोन वाउचर्स मिल रहे थे। आज मेरी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास आज नहीं है, थोड़ा फेस्टिव मूड में हूँ मैं भी आज, और लाइव क्विज फीचर और ये सब जो फ्री टेस्ट है ना गाइज दिया कीजिए। एवरी संडे चैम्पियनशिप मॉक टेस्ट भी होती है, ये संडे भी है, मतलब कल भी दोपहर को 2 बजे,
2,000, 3,000 और 5,000 के वाउचर्स जीतने को मिलेंगे, ज़रूर दीजिए ये। और ये फ्री टेस्ट है गाइस, सैटरडे है आज, यूलैट भी होगा, ज़रूर दीजिएगा। और मंडे टू फ्राइडे T20 टेस्ट 20 मिनट का होता है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कर करके और परफेक्ट बन जाओगे गाइस। और ये जो चैनल पे अभी आप मुझे अब देख रहे हो, उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड। कमेंट ऑन माई वीडियोज़, हाउ डू यू फील इट, हाउ डू यू लाइक इट, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, थोड़ा प्यार थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए गाइस। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हिंदुस्तान टाइम्स, अगेन बता देती हूँ अभी अभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर का छुट्टी है, कल उनका उनका छुट्टी था तो आज का न्यूज़पेपर नहीं आया है, तो आज हम हिंदुस्तान टाइम्स करेंगे। ओ थैंक यू सो मच क्रिश, क्रिश आपको सजेस्ट करा है, क्रिश हिमसेल्फ इज अ प्लस स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और वो आपको एडवाइस कर रहा है। हाय सागर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्रिश इज सेइंग मतलब मैम नो क्लासेस टुडे, तो बेटा अभी प्लस क्लास है 12:30 बजे वाला, 12:30 से 2 का प्लस क्लास है, बट स्पेशल क्लास शाम वाला नहीं है सिर्फ क्रिश। हैप्पी इंडियन आर्मी डे प्रताप टू ऑल ऑफ यू। विकास वेरी गुड मॉर्निंग। क्रिश थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस टू एवरी स्टूडेंट। अभिषेक थैंक यू टू यू एज वेल। अभिषेक ही सिंह लाइक ठोको दबा के। ब्रिज मोहन कौन सी न्यू क्लास की बात कर रहे हो आप ब्रिज मोहन? तो बेटा हर वीक है ना प्लस क्लासेस की न्यू बैचेस आती रहती है, तो आप पहले फ्री क्लास देख के आप देखिए आपके कौन से फेवरेट एडुकेटर्स हैं, उसकी फिर उस फेवरेट एडुकेटर्स की जो जो क्लासेस जो जो बैचेस में हो रही है वैसे आप टाइम सेट करके देख सकते हो सारी क्लासेस। वेरी गुड मॉर्निंग विपुल। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। 15 जनवरी दिल्ली एडिशन है हिंदुस्तान टाइम्स में, आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो यूपी गवर्नमेंट के जो डिफेक्टर्स है मतलब यूपी में बीजेपी को छोड़ के 3 मिनिस्टर्स भी बीजेपी छोड़ के अभी रिसेंटली गए, क्योंकि अभी इलेक्शन बस आ रहे हैं फेब्रुवरी में यूपी में, तो दे लीड SP's शो ऑफ स्ट्रेंथ। SP मतलब समाजवादी पार्टी, तो यूपी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जाके जुड़ चुके हैं, उनके शो की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे ये बीजेपी के जो लीडर्स इधर से बीजेपी से निकले वो समाजवादी पार्टी में जाके जुड़ चुके हैं। तो ये एक ध्यान में रखना है कि बेसिकली बीजेपी छोड़ के वो लोग कहाँ गए ये बताया है, बट ये हमें लिखना नहीं है, जो भी न्यूज़ लिखनी है उसके बाजू में मैं स्टार मार्क पुट करूँगी, वो न्यूज़ आप लोग लिख लेना अपने नोट्स बनाने में, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पार्लियामेंट का सेकेंड सेशन, बजट सेशन जिसे बोलते हैं, इट बिगिंस फ्रॉम 31 जनवरी। 31 जनवरी से बजट सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बजट प्रेजेंट होता है एवरी टाइम 1 फरवरी को, तो बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, आई मीन बजट सेशन 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है अमिड सो मैनी कोविड केसेस, तो ये ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट के बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, सो ट्रबल ट्रबल ट्रबल। 31 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, लिखना नहीं है। हालांकि कोविड के इतने सारे केसेस, ऑलमोस्ट लगभग 2.5 लाख केसेस कल के दिन में भी देखे गए, तो अराउंड 1% जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं या टोटल जितने भी एक्टिव केसेस है, ऑलमोस्ट 12.5 लाख 13 लाख जितने कोविड केसेस एक्टिव है, तो उसमें से 1% लोग सिर्फ ICU में भी दाखिल हुए हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ रिलीफ फॉर अस के सिर्फ इतने सारे कोविड केसेस में से ICU पेशेंट 1% ही बन रहे हैं, तो ये डेटा है इंडिया का। द रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सीन सो फार इन द करंट वेव ऑफ इन्फेक्शन हैज़ बीन बिटवीन 5% एंड 10% ऑफ द एक्टिव केसेस। तो ICU तो 1% लोग ही हो रहा है ICU एडमिशंस, और हॉस्पिटलाइजेशन टोटल जितने भी एक्टिव केस है उसमें से 5 से 10% के बीच में
6-7-8% जितना ही हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. एक तो वैक्सीनेशन सबका हो गया है, दैट्स अ वन थिंग. एंड सेकेंड, ओमिक्रॉन एंड दिस न्यू वेरियंट नाउ इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल माइल्डर बिकॉज ऑफ टू रीज़न. क्योंकि हमने वैक्सीन लिया है तो इम्यूनिटी अच्छा है. दूसरी चीज़, हम ऑलरेडी पहली दो वेव के वेरियंट्स को लड़ चुके हैं, तो इसकी वजह से मतलब उससे भी हम हमारी एंटीबॉडीज अच्छी रह रही है. वो भी हमें नहीं लगा है, अगर लग भी गया है तो भी एंटीबॉडी अच्छी हो जाती है, नहीं लगा है तो भी. तो वो दोनों से लड़ चुके हैं इसलिए अभी इसका इफ़ेक्ट कम लग रहा है. ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है. बट ये तीनों न्यूज़ हमें लिखनी नहीं थी. ओके, आगे तो ये सारी फ्रंट पेज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई. आगे और कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देखेंगे. तो द हिंदू न्यूज़पेपर कितना सिस्टमैटिक है, उतना सिस्टमैटिक मुझे मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, उसका खुद का यूएसपी अलग है. बट इसमें थोड़ा बहुत बीच में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं तो हम फटाफट कर लेंगे. हमने तो मैंने तो हाईलाइट कर रखे ही आपके लिए न्यूज़, तो कोई टेंशन नहीं है. तो फिलीपींस कन्फर्म 375 मिलियन ब्रह्मोस डील. तो फिलीपींस ने कन्फर्म की है कि इंडिया के साथ ब्रह्मोस की बैटरी खरीदने की $375 मिलियन की डील की है. वो हम आगे देखेंगे. फिलीपींस कन्फर्म्ड ऑन फ्राइडे इट विल अक्वायर 3 batteries ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया इन अ डील वर्थ ऑफ $375 मिलियन. तो ब्रह्मोस तो मिसाइल ऑलरेडी फिलीपींस खरीद चुका है, कब से हमारे पास, 2 साल पहले से. अभी उसकी 3 batteries खरीदेगी $375 मिलियन में, जो इंडिया और रशिया ने साथ में मिलके बनाई है. ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडिया एफर्ट टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर. तो ये डेवलपमेंट्स, ऐसा एक होप है कि इंडिया बिगेस्ट डिफेंस हार्डवेयर बनाने वाला मैन्युफैक्चरर हब बन जाए. तो ये न्यूज़ बड़ी काम की है, स्टार मार्क कर रही हूँ. जितना अंडरलाइन और हाईलाइटेड पार्ट है उतना आपको नोट्स में लिखना है. समझ रहा है गाइस? दूसरा, बोरिस जॉनसन थोड़ी मुश्किल में है, बताती हूँ कैसे. वापस गला थोड़ा दुखना स्टार्ट हो गया है, पानी पीते रहना पड़ेगा. सो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थोड़ी दिक्कत में आए हुए हैं. उनका एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड है. एंड कोविड जब से स्टार्ट हुआ उनकी बहुत सारी लैक्यूनास बाहर आई है, राइट? क्योंकि कोविड में भी वो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, यूके काफ़ी बड़ा हब रहा है कोविड केसेस का. तो इस चक्कर में बोरिस जॉनसन की बहुत सारी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई है, राइट? सो पार्टी गेट थ्रेटन्स टू टॉपल बोरिस जॉनसन. नाउ क्योंकि बहुत सारी पार्टी की बोरिस जॉनसन ने ये कोविड के टाइम पे और इवन रॉयल फैमिली के फ्यूनरल के टाइम पे, उसकी वजह से अभी उनकी खुद की पार्टी वाले लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं एंड बोरिस जॉनसन को निकालने के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन उनको करना चाहिए. यस गाइस, जस्ट अ मिनट, पानी है. गाइस जस्ट वन सेकेंड, आई विल हैव टू बी बैक इन 1 मिनट. 1 मिनट मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा. आप लोग को तब तक ये न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी 11 gatherings की है बोरिस जॉनसन ने जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई है. ठीक है, प्रिंस फिलिप जो अभी एक्सपायर हुए क्वीन के हस्बैंड, उनके फ्यूनरल के टाइम पे भी ये पार्टी कर रहे थे इंसान. तो ये सब चीज़ें आप एक बार देखिए, मैं क्विकली 1 मिनट में वापस आती हूँ.
सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया. एक्चुअली घर पे कोई नहीं था और कुछ कूरियर आया था, एंड आई हैड टू गिव ओटीपी, उसके बिना रिसीव नहीं होता, इसलिए टाइम लग गया. आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी. ओके, सो बोरिस जॉनसन ने, आप देख सकते हो इधर, ही अपोलोजाइज ऑन फ्राइडे फॉर होल्डिंग अ पार्टी इन डाउनिंग स्ट्रीट ऑन द ईव ऑफ प्रिंस फिलिप्स फ्यूनरल. क्वीन एलिजाबेथ टू के हस्बैंड प्रिंस फिलिप का फ्यूनरल जब भी था, तभी भी ये इंसान पार्टी कर रहे थे यूके की पीएम होके. ओके, द लेटेस्ट इन पार्टी गेट स्कैंडल दैट इज थ्रेटनिंग टू टॉपल ब्रिटिश पीएम विद हिज ओन पार्टी मेंबर्स कॉलिंग फॉर हिज रेजिग्नेशन. उनके खुद के पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि इनका रेजिग्नेशन चाहिए. 11 ऐसी गैदरिंग्स उन्होंने की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में और इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बिटवीन मई 2020 एंड अप्रैल 2021. तो इवन जब भी लॉकडाउन लगाया हुआ था यूके में, ये इंसान पार्टी कर रहे थे बिंदास. मैन कोविड-19 रूल्स लिमिटेड हाउ मेनी पीपल कुड मीट सोशली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया. तो उसके बावजूद उन्होंने बिंदास पार्टियाँ की हैं, शादी की है, हमें पता है थोड़े दिन पहले उनकी शादी भी हुई है. सो व्हाट वर दीज पार्टीज, ये सारी पार्टी उन्होंने की थी. तो 2020 का क्रिसमस बैश किया, गार्डन वर्क इवेंट, स्टाफ जोक अबाउट पार्टी, द बे ऑब पार्टी, पार्टी ड्यूरिंग रॉयल फ्यूनरल, ये सब के वजह से बहुत क्वेश्चन में आ गए कि भाई तुम यूके का गवर्नमेंट चला रहे हो या फिर पार्टी कर रहे हो. तो देखिए, बोरिस जॉनसन एज अ होल पीएम, एज अ पीएम, उनका टोटली उनके टेन्योर में बहुत उनकी क्रिटिसिज्म हुई है. पहले तो ब्रेग्जिट सबसे खराब डिसीजन होगा मुझे लग रहा है, यूके की इकोनॉमी बहुत खराब तरीके से गिर गई आफ्टर ब्रेग्जिट. देन कोविड में जिस तरीके से उन्होंने गूफ अप किया है इतने टाइम, बहुत एक्चुअली सभी लोग नाराज़ हैं उनसे कि पार्टी खुद भी और पार्टी के मेंबर्स ही उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं. समझ रहा है गाइस? तो ये सारी चीज़ें हैं. सो जॉनसन, अभी बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने ये गैदरिंग में अटेंड किया, आई शुडेंट हैव डन, और अभी वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं. तो एज अ पीएम उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक से नहीं किया है. तो ये अभी हालत हो रही है बोरिस जॉनसन की. ये मैं चाहती हूँ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूरा स्टार मार्क करी हूँ, लिखने वाली न्यूज़ है गाइस. यूके के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए उनके पार्टी वाले बोल रहे हैं, बड़ी चीज़. और एक बहुत बड़ी न्यूज़, मतलब और ख़राब न्यूज़, और एक तरीके से फॉर्चुनेट हम है कि बच गए. तो कल गाजीपुर की फ्लावर मार्केट में करीबन 400 लोग बच गए हैं, सॉरी 4,000 लोग, नॉट 400 लोग, 4,000 लोग मरने से बच गए. एक बॉम्ब पाया गया वहाँ पे और ये टाइम टू टाइम डिसमेंटल कर दिया गया, वरना बहुत बड़ा अटैक हो जाता, ब्लास्ट हो जाता था. तो रिपब्लिक डे के पहले कॉप्स प्रोब अटेम्प्टेड टेरर स्ट्राइक, तो कॉप्स ने ये पकड़ लिया है पुलिस ने टाइम पे, तो बच गए, वरना एक बड़ा टेरर स्ट्राइक हो जाता था, ब्लास्ट हो जाता था. तो बेसिकली टेररिस्ट घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर, और रिपब्लिक डे के पहले पहले ये एक इंसिडेंट जिसमें फेल गया उनका अटेम्प्ट. ठीक है, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? दो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED कंटेनिंग सस्पेक्टेड RDX एंड अमोनियम नाइट्रेट फाउंड एट द गेट ऑफ गाजीपुर फ्लावर मार्केट ऑन फ्राइडे. इट वॉज प्लेस देयर टू कॉज मैक्सिमम डैमेज एंड कैजुअलिटीज, क्योंकि ऑलमोस्ट 4,000 लोग वो फ्लावर मार्केट के अंदर थे. अगर वो ब्लास्ट होता तो 4,000 लोग मारे जाते थे. गेट पे ही रखा गया था फ्लावर मार्केट के. द कंट्रोल एक्सप्लोजन लेफ्ट 2 feet होल विच इंडिकेट्स दैट इट कुड हैव डैमेज नियरली हाफ ऑफ द मार्केट्स बिल्डिंग्स. अ मेजर ट्रेजिडी हैज़ बीन अवर्टेड. तो जहाँ फिर ऑफकोर्स उसे डिसमेंडल, मतलब बॉम्ब को फिर खुली जगह में जाके डाल दिया गया, और जब भी वो ब्लास्ट हुआ तो 2 feet का होल हो गया. दैट शोज कि अगर ये ब्लास्ट फ्लावर मार्केट में होता तो बहुत सारी बिल्डिंग्स फ्लावर मार्केट की डैमेज होती, बहुत सारे लोग मर जाते थे, बहुत बड़ा ट्रेजेडी को
अनफोल्ड किया हुआ है, मतलब हमने हटा दिया है हमारी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने. इट्स अ गुड गुड मूव हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड एट द फ्लावर मार्केट. तो एक तरीके से मुंबई पुलिस की तारीफ की करते हुए दिल्ली पुलिस की क्रिटिसिज्म कर रहे थे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर कुछ दिन पहले, हमने देखा था. तो ये काम फाइनली अच्छा हुआ है, उनकी इज्जत आ गई है वापस दिल्ली पुलिस की, राइट. सो हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड एट द फ्लावर्स मार्केट. द आईडी वेट रफली 3 kg का RDX था उसमें, लाइकली कंसिस्टेड ऑफ केमिकल्स लाइक RDX और अमोनियम नाइट्रेट. मॉर्निंग में 10:10 को एक एम्प्लॉई जो है रियल एस्टेट कंपनी का, उसने स्पॉट किया कि कुछ अनअटेंडेड बैग, कोई ऐसी बैग पड़ा था, कोई किसी के किसी का नहीं था वो, मतलब ऐसा उसके स्कूटर के पास पार्क किया गया था, गेट नंबर 1 गाजीपुर फ्लावर मार्केट के यहाँ पे. ही अलर्ट्स, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट पे अलर्ट किया. द बैग कंटेन अ मेटल बॉक्स विथ सम वायर अटैच टू इट. तो फिर बैग के अंदर एक बॉक्स था और उसमें कुछ वायर्स अटैच थे और वो बैग को ऐसे बंद किया हुआ था. तो ये आदमी ने जो रियल एस्टेट कंपनी में वर्क करता है, उसने अपने स्कूटर के पास ये पड़ा हुआ पाया तो उसने तुरंत सिक्योरिटी गेट पे बताया. तो हम सिटीजन्स का भी कॉशियस होना और चीज़ें तुरंत इन्फॉर्म करना और उसको इग्नोर नहीं करना बहुत सारी बड़ी मुसीबत हटा सकता है, यू नो गाइस. तो जब भी मुंबई में, मुझे पता है, याद है, ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, 9 लोकल ट्रेन्स में, और हमारी मुंबई की लोकल ट्रेन्स मतलब पैक, फुल जाम पैक होती है, और वो भी एकदम पी कार्स में ब्लास्ट किए गए थे. तो 9 ट्रेन में उन्होंने बॉम्ब के डब्बे रखे हुए थे. काश तभी बॉम्ब के डब्बे रखने के बाद तुरंत तो ब्लास्ट 2 मिनट के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स कुछ घंटे के बाद हुआ. तो अगर उस चीज़ों को किसी ने पकड़ लिया होता और अलर्ट किया होता तो बहुत सारे जान बचाई जा सकती है. तो इस तरीके से सिटीजन्स का अवेयरनेस भी बहुत हेल्प करता है. 10:16 को, 10:10 को ये पता चला, 10:16 6 मिनट के अंदर ही पुलिस कंट्रोल रूम ने रिसीव किया एक कॉल अबाउट सस्पिशियस बैंग बीइंग फाउंड एट फ्लावर मार्केट. 6 मिनट में ही सिक्योरिटी गार्ड को बता के पुलिस को फ़ोन आ गया. 10:20 को से 10:30 के बीच में पुलिस वहाँ पहुँच गई एंड उन्होंने एरिया को थोड़ा खाली करवा दिया. 5 फायर टेंडर्स, कैट्स, एम्बुलेंस एंड ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली डिजास्टर्स पहुँच गए वहाँ पे. और 11:20 को, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे और 10 मिनट के बाद, 11:20 से 11:30 के बीच में दिल्ली पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने वहाँ पे पहुँच के एंटी टेरर यूनिट एंड स्पेशल सेल वाले पहुँच गए एंड स्निफर डॉग्स पहुँच गए और मार्केट को पूरा खाली करवा दिया गया. 12:45 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मार्केट पहुँच गए एंड 12:45 से 2 के बीच में एक्सप्लोजिव से बैग को हटा के अर्थ मूवर डिग करके 8 feet डीप एक खड्डा खोद के वहाँ पे उसको डाल दिया गया, नियरली 100 meters अवे फ्रॉम द मार्केट्स गेट, खाली जगह में खड्डा खोद के उधर डाल दिया गया. इस तरीके से इस अनहोनी को होने से बचा दिया. तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है गाइस. तो 2 तक ऑलमोस्ट सारा मामला ख़त्म हो गया. तो 4 घंटे के अंदर अंदर पूरी ये अनहोनी होने से रोक दी. एक सिटीज़न की अवेयरनेस के वजह से ये हुआ, उसने वॉर्न किया, उसके स्कूटर के पास कुछ अनअटेंडेड पड़ा तभी उसने वॉर्न किया. तो ये अवेयरनेस हम सब में अभी होनी चाहिए, आजकल की यूथ में भी होनी चाहिए. तुम सब लोग भी ध्यान में रखो हमेशा ये चीज़. तो ये मैं पूरा स्टार मार्क कर रही हूँ जितना हाईलाइटेड है, और ये पूरा समरी जो है गाइज, ये पूरा समरी लिखिएगा, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. कांट मेक मैरिटल रेप एंड ऑफेंस एंटिल टॉक्स एंड. तो हम 2-3 दिन से ये देख रहे हैं मैरिटल रेप वाला मैटर, कि दिल्ली हाई कोर्ट में
एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने सजेस्ट किया कि मैरिटल रेप वाला एक्सेप्शन सेक्शन 375 रेप का जो सेक्शन है उसमें से मैरिटल रेप का एक्सेप्शन हटाना चाहिए. इफ हस्बैंड इज ऑल्सो फोर्सफुली अनविलिंगली वाइफ के विलिंगनेस के बिना उसके साथ अगर सेक्शुअली एक्ट करता है तो उसको मैरिटल रेप गिनना चाहिए और उसको भी पनिश करना चाहिए जस्ट लाइक अदर रेप ऑफेंडर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि अनटिल इसके बारे में हमारी बातचीत ख़त्म नहीं होती सारे स्टेक होल्डर्स के साथ तब तक हम लोग इसको मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन हटाना है वो नहीं कर सकते. तो यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट दैट मैरिटल रेप कैन नॉट बी मेड इनटू क्रिमिनल ऑफेंस अनटिल सेंटर्स कॉन्स्टिट्यूशन विथ ऑल स्टेक होल्डर्स इज कम्प्लीट सॉरी कंसल्टेशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर्स कंसल्टेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स आर कम्प्लीट पेविंग द वे फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ इंस्टेड ऑफ पीसमिल चेंजेस. तो वो जो स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी लोग अफेक्ट हो सकते हैं वैसे करके उनके साथ डिस्कशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग थोड़े थोड़े चेंजेस नहीं करना चाहते हैं क्रिमिनल लॉ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस लाने चाहते हैं बड़े अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं क्योंकि ये लॉ काफ़ी पुराना है एक्चुअली 1890 का है. तो पीसमेल चेंज थोड़े थोड़े चेंज के बजाय अच्छा खासा अमेंडमेंट हो जाए वो अच्छा है. तो वो लोग तब तक मैरिटल रेप को स्टेक होल्डर्स से जब तक बातचीत ख़त्म ना हो जाए हटाएंगे नहीं उसके क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाएंगे. तो ये एक चीज़ है ये लिखना है बाय द वे या स्टार मार्क करियो लिख लेना. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे सिंस दिल्ली एडिशन था एक दो तीन पेज तो दिल्ली के ही थे. ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको आगे कि फिलीपींस इज गोइंग टू अक्वायर 3 batteries ऑफ ब्रह्मोस ये हो चुका है हमारा. ये एक न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है स्टार मार्क कर रही हूँ. तो आप सबको पता होगा कि एक जज धनबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट के जज मिस्टर आनंद क्या नाम था उत्तम आनंद जी उनको एक रिक्शा वाले ने और उसके रिक्शा में दो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उनको हिट किया और उनकी मौत हो गई और वो उनको मार के चले गए. अभी जज को मार के चले गए तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है. व्हेन ही वाज अ प्रेज मतलब ही वाज वर्किंग एज अ जज ही वाज सर्विंग एज अ जज. तो झारखंड हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी. सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ये बोला है कि स्नैच उनका वॉलेट वगैरह स्नैच करने के चक्कर में उनको रिक्शा वाला ने ठोक दिया और वो मर गए. तो ये थियोरी जो सीबीआई बता रहा है ये जो स्नैचिंग बिड थियोरी बता रहा है झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है इस ये रीज़न नहीं हो सकता है डेथ का जज की डेथ का. सो देयर इज समथिंग डेफिनेटली मोर. सो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में जो बताया है झारखंड हाईकोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है ये ध्यान में रखना है. मैंने जितना हाईलाइट किया है लिख लेना. इंडियन एयरफोर्स ने भी एक रिपोर्ट में बताया है CDS बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की जो डेथ हुई चॉपर क्रैश में बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर ये हुआ है ऐसा IAF ने रिपोर्ट में बताया है कि अचानक से वेदर इतना चेंज हो गया और इतना फॉगी हो गया कि इसका बैलेंस नहीं रहा चॉपर का और वो क्रैश हो गया और इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है. तो ये स्टार मार्क करियो ये भी हेडलाइन लिख लीजिएगा. और आगे कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देख लेते हैं. तो यहाँ के एडिटोरियल मुझे कुछ खास नहीं लगे मैंने नहीं कवर किए इसलिए हमें स्पोर्ट्स न्यूज़ में आज एक करना है जोकोविक नोवाक जोकोविक जिसको एक बार के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में वो जीत गए बट अगेन वो उसको अपील किया गया और जोकोविक का वीज़ा अगेन रिवोक कर दिया गया है इनफैक्ट और उनको वापस डिपोर्टेशन सेंटर में भेज दिया गया है. तो सर्बियन टेनिस प्लेयर जोकोविक ओके
ही इज टोल्ड टू रिटर्न टू द डिटेंशन सेंटर, अपील हियरिंग एक्सपेक्टेड ऑन वीकेंड, और उन्होंने वापस अपील की है तो ये वीकेंड पे वापस उसकी हियरिंग हो जाएगी. बट अभी तो फिलहाल जो डिसीजन आया उसमें उनके वीज़ा रिवोक कर दिए गए वापस. उनको बोला है डिपोर्टेशन सेंटर जाओ, तब तक आपको कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करने को नहीं मिलेगा. एंड इनफैक्ट 3 साल तक उन पर बैन लगा दिया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नहीं मिलेंगे उनको अभी से. तो बैक एंड डिटेंशन तो है ही, बट रेस अगेंस्ट टाइम, 3 ईयर्स बैन उनको उन पर आ चुका है अभी के डिसीजन के मुताबिक. 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीत चुके हैं उनको 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया, अभी के आ नहीं सकते हैं. हाउएवर उसमें लिखा है कोई एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस में आने दिया जा सकता है, बट बाकी 3 साल का बैन लगा दिया उन पर. नाउ उन्होंने भी अगेन हायर कोर्ट में अपील की है, देखते हैं उसका डिसीजन अभी वीकेंड में मतलब आएगा. अभी हियरिंग रखा जाएगा वीकेंड में, तो लेट्स सी क्या होता है. सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, लिख लीजिएगा ठीक है, और ये जो आपका समरी है इसको भी लिख लीजिएगा, इतना पार्ट भी. ओके एंड या अभी तो बाकी सब मूवीज़ वगैरह का इधर है, सो वी विल नॉट डू ऑल दोज न्यूज़. सो ऑलमोस्ट आज के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने सारी करवा ली है. आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन, थैंक यू सो मच. एंड आज कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है, जस्ट 12:30 to 2 वी आर हैविंग अ प्लस क्लास ऑफ सिविल लॉ, लॉ ऑफ टॉट्स का सिविल लॉ का एक प्लस क्लास होगा. तो मिलते हैं 12:30 को एवरी वन, ऑल दी प्लस स्टूडेंट्स. ओके बाय बाय एवरी वन, आई होप यू लाइक दिस सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, एंड शेयर भी ज़रूर करना. बाय बाय गाइस. आर्मी ब्लिंक इज आस्किंग मैम एडिटोरियल लिखना है. नहीं, नॉट ऑलवेज एडिटोरियल लिखना है, जभी जभी लिखना होगा तो उसमें जितना पार्ट लिखना है उसके बाजू में मैं स्टार मार्क पुट कर देती हूँ, तो उतना पार्ट आप लिख सकते हो ठीक है. हैव अ नाइस डे टू यू टू विकास. देवांग तो ऐसे इतना इजीली तो रेप के लिए किसी को पनिश नहीं किया जाता है. ऑफकोर्स इसके लिए रेप हुआ है, जबरदस्ती उसके साथ हुआ है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा वेदर शी वॉज रेप्ड और नॉट. वाइफ ऑल्सो तो ऐसे ही झगड़े पे, सीरियस झगड़े पे नहीं हो जाता है पनिशमेंट ठीक है. ऑल राइट, बाय बाय एवरीवन. सो गाइज आई थिंक मुझे हर्षिता ने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जस्ट देखा तो इसलिए मैं वापस मैंने सेशन स्टार्ट किया है. मैम आई जस्ट स्टार्टेड सीइंग योर डेली न्यूज़ एनालिसिस बट हाउ टू कवर प्रीवियस वंस. तो प्रीवियस वंस के लिए बेटा मंथली कंपेंडियम क्लासेस होती है अनएकेडमी पे, तो मेरी वो प्लस क्लास होती है, तुम आके वो देख सकते हो. तो बेसिकली अभी इतने महीने के जो मिस हो गए हैं, तो आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो पहले तो हर्षिता, December 22 या May 22? अगर May 2022 तो आपका May to December पूरा मिस हो चुका है, तो उसके मंथली कंपेंडियम करा रहे हैं हम लोग अनएकेडमी पे प्लस क्लास पे. तो मंथली कंपेंडियम्स कर करके आपका आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और क्या, बैकलॉग या फिर बिंज वॉचिंग कर सकते हो. फटाफट फटाफट देख लो आगे के सारे वीडियोस, सभी अवेलेबल तो होते ही हैं ठीक है. ऑल राइट एंड गाइज वन मोर थिंग, आप जितने भी लोग हो अगर आपने अभी तक अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो जल्दी से. मुझे एक लाइव क्विज करवानी है आप लोग को, क्या आप लोग सभी लोग लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करोगे? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं फिर अभी लाइव क्विज एक होस्ट करूँगी और आपको उसकी पासवर्ड दूंगी, तो आप लोग वो कोड यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो और 10 मिनट की एक लाइव क्विज दे सकते हो. देना है सबको या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ. जल्दी से कमेंट करके बताओ, सारे लोग लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं अभी होस्ट करूँगी जल्दी से, बट इट विल बी ऑन अनएकेडमी लर्निंग ऐप. सो आपको जल्दी से डाउनलोड करना होगा ऐप, 2 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में.
हर्षिता यस बोल रही है, बाकी सब लोग भी रिप्लाई कर लो। क्या आप लोग लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लाइव क्विज देना चाहते हो? तनु को भी देना है, ठीक है। सो जितने लोगों ने अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, पहले गो टू योर प्ले स्टोर एंड डाउनलोड अनएकेडमी लर्निंग ऐप। फिर मैं आप लोग को एक लाइव क्विज देती हूँ का कोड देती हूँ, वो करके आप कर सकते हो। सो जिसने भी अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कैसे करना है। तब तक मैं होस्ट कर लेती हूँ क्विज। सो स्टैटिक जीके का एक क्विज मैं करवा रही हूँ आपके पास, और कोड भी आ चुका है, मैं कोड इधर बता रही हूँ आपको, देख लीजिए। इधर लिख रही हूँ कोड 262412, और लिंक भी भेज रही हूँ हमारी टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी मैंने लाइव किया है, मैं 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ सबको ज्वाइन करने के लिए, और 11:30 को शार्प मैं क्विज लाइव कर लूँगी, ठीक है। सो मैंने इधर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है द कोड। ये कोड यूज़ करके आप लाइव क्विज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड पहले तो सबने अगर अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो मैं समझा दूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो गो टू सेल्फ स्टडी सेक्शन, या मैंने लिंक भेजा है टेलीग्राम पे, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर वरना आप सीधा ऐप से जाना चाहते हो तो आप अनएकेडमी लर्निंग ऐप में सेल्फ स्टडी सेक्शन में जाइए। पहले सभी लोग सेल्फ स्टडी सेक्शन स्टार्ट कीजिए। उसमें आपको एक पेज खुलेगा, उसमें टेस्ट दिखेगा। टेस्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको जो एक पेज आएगा उस पर लाइव क्विज दिखेगा। क्लिक ऑन लाइव क्विज, फिर ज्वाइन क्विज कीजिए पे क्लिक कीजिए, और आपको कोड पूछेंगे, फिर दिखेगा क्विज। देखिए तनु ने आई थिंक ज्वाइन कर लिया है, टी दिख रहा है मेरे को, तो वैसे ही सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और ये कोड डालना है आपको, कोड जब भी पूछेंगे 262412, एंड देन आप क्विज स्टार्ट कर पाओगे। सभी को समझ में आ गया? Everybody understood? किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बोलिए कमेंट में, मैं हेल्प कर दूंगी। सो मुझे सिर्फ एक जन ज्वाइन हुआ दिख रहा है अभी, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लो। 11:30 को मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है लिंक, वहां से भी जा सकते हो। एक ही जन दिख रहा है मेरे को ज्वाइन किया हुआ। क्या बाकी सबको नहीं समझ रहा है? दिशा, टेस्ट के बाद देखिए बेटा, पहले आपको सेल्फ स्टडी में जाना है, फिर टेस्ट में जाना है, फिर जो पेज खुलेगा टेस्ट क्लिक करने के बाद लाइव क्विज दिखेगा, लाइव क्विज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर जाके
ज्वाइन क्विज पे क्लिक कीजिए तो आपको स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके लिखा हुआ मिलेगा, वो वाली टेस्ट आपको ज्वाइन करनी है। उसमें आपको कोड पूछेंगे 262412, ये कोड डालना है, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, सो मैं अभी सेशन तो बंद कर रही हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और 11:30 को मैं क्विज चालू कर लूँगी। बाय।